स्क्रीन में जो आप स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी इस प्रकार का क्रिएट करना चाहते हैं काइन मास्टर के माध्यम से, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट बने रहना होगा। सो गाइस, इस वीडियो में हम सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल से काइन मास्टर के माध्यम से इस प्रकार का स्टेटस वीडियो, खुद का फोटो लगाकर या फिर किसी का भी फोटो लगाकर इस प्रकार का स्टेटस वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को इस प्रकार से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों प्लस पे क्लिक करना। प्लस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रेशियो 16:9 को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे जो क्रिएट का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या करना है, सिंपली जिस एक बैकग्राउंड को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सो गाइस, आपका जिस फाइल में उस बैकग्राउंड रहेगा वो फाइल को ओपन करना। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से क्या करना है, नीचे स्क्रोल डाउन करना है, आपका जिस जगह पे रहेगा उस जगह पे चले जाना और इस वाला बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक कर लेना। अब बैक करने के बाद दोस्तों इसका जिसका टाइमलाइन जितना स्टेटस आप सेकंड का बनाना चाहते हैं उतना सेकंड इसका टाइमलाइन को यहाँ से बढ़ा लेना। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यहाँ पर हम 10 सेकेंड आपको लेकर दिखा रहे हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। 10 सेकेंड तक बढ़ा लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस इमेज पर क्लिक करना, पेन जूम पर क्लिक करना। पेन जूम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से क्या करना है, इस वाला बैकग्राउंड को कुछ इस प्रकार से जूम करके यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए एंड पोजीशन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार बैक कर लेना, ठीक है। बैक करने के बाद दोस्तों लेयर पर क्लिक करना, देन गाइस मीडिया पर क्लिक करना। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक क्या करना है, रिमूव बैकग्राउंड इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो गाइस, आप जिस बैकग्राउंड को जिस फोटो को लेकर आप बनाना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ से इस प्रकार सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से क्या करना है, यहाँ नीचे आना और क्रॉपिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना। इसका मास्क जो एक ऑप्शन है इसमें क्लिक करके इसको इनेबल करके इसका फिदर को आपको क्या करना है, कुछ इतना बढ़ा लेना है, ठीक है। इस प्रकार बढ़ा लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बढ़ाने के बाद क्या करना है, यहाँ से बैक कर लेना। बैक करने के बाद दोस्तों इस इमेज को यहाँ से क्या कीजिएगा, इस प्रकार ला के यहाँ पर एडजस्ट कर लेना कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों इसका भी टाइमलाइन को आपको क्या करना है, जितना आपका बैकग्राउंड का उतना यहाँ से इसका भी रख लेना, ठीक है। इस प्रकार उसके बाद दोस्तों फिर से इस फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए 3 डॉट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों यहाँ साइड में रख लेना। उसके बाद इसका थोड़ा साइज को यहाँ से बढ़ा लेना है कुछ इतना, ठीक है, इतना बढ़ा लेना। बढ़ाने के बाद दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए एक मिल जाएगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन, ब्लेंडिंग में क्लिक करना और इसका जो ओपेसिटी है उसको यहाँ से कुछ कम कर लेना इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार 50 पे रख लेना, ठीक है। 50 का रखने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे स्क्रीन पे क्लिक कर देना है कुछ इतना। अब दोस्तों यहाँ से फिर से थोड़ा सा इस प्रकार एडजस्ट कर लेना, कुछ बढ़ा के यहाँ पे 60 पे रख लेना, ठीक है। 60 पे रखने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक करना। बैक करने के बाद फिर से क्या करना है, आपको यहाँ से लेयर पर क्लिक करना। लेयर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मीडिया पर क्लिक करना। मीडिया में क्लिक करने के बाद दोस्तों डाउनलोड पर चले जाना। आपका जिस फाइल में मटेरियल रहेगा उस फाइल को आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से क्या करना है, एक स्मोक वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट करना, ठीक है। सो ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इस प्रकार बढ़ा लेना इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट स्क्रीन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना। देन गाइस इसको यहाँ से क्या कीजिएगा, फुल स्क्रीन में कर लेना, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक करना और देखो यहाँ पे देखिए रोटेट मिरर का मिररिंग मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है कुछ इस प्रकार, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर से बैक करना, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ ब्लेंडिंग पे, ब्लेंडिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों स्क्रीन पे सेट कर लेना कुछ इतना, ठीक है। सेट करने के बाद दोस्तों इस प्रकार बैक कर लेना। अब दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग पोर्ट में आ जाना है इस प्रकार से। लेयर पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक करना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद दोस्तों डाउनलोड पे चले जाना। आपका बोल दिया पहले कि जिस फाइल में आपका मटेरियल रहेगा उस फाइल को ओपन कीजिएगा और यहाँ से मटेरियल यूज कर लेना, ठीक है। सो गाइस, जिस प्रकार से यहाँ से फ्लावर को यहाँ से ले लेना। उसके बाद दोस्तों इस फ्लावर को क्या करना है, यहाँ पर ला के आपको इस प्रकार छोटा कर लेना और थोड़ा सा इस प्रकार। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक आना। बैक आने के बाद फिर से इसका जो लेयर है उसको क्या करना है, आपको जितना बैकग्राउंड का लेयर है उतना इसका भी लेयर को यहाँ से इस प्रकार रख लेना, ठीक है। रखने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से और एक काम करना, आपको ये स्मोक का जो वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट किया उसमें क्लिक कीजिएगा। यहाँ 3 डॉट का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना और यहाँ से सेंड टू बैकवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कर देना इस प्रकार, ठीक है। फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना, सेंड टू बैकवर्ड कर लेना इस प्रकार। अब दोस्तों इतना सारा काम करने के बाद फिर से यहाँ से क्या करना है, एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेना इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से फिर से स्टार्टिंग पोजिशन में आना, लेयर पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करना। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से मटेरियल फाइल को ओपन कर लेना।
ओपन करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का क्या करना है, फिर टेम्पलेट वीडियो को यहाँ से कलर वाला सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ से स्लिप्ड स्क्रीन में चले जाना और यहाँ से इसको क्या करना है, फुल स्क्रीन कर लेना, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों बैक आना, बैक आने के बाद फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना, ब्लेंडिंग में चले जाना और यहाँ से इसको स्क्रीन पर सेट करके जो इसका साउंड रहेगा उसको भी यहाँ से आपको ऑफ़ कर लेना, ठीक है। सुगा जी यहाँ वॉल्यूम का ऑप्शन में चले जाना और इसका साउंड को यहाँ से ऑफ़ कर लेना। इतना सारा काम करने के बाद फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना, लेयर पे क्लिक करना, देन गाइस मीडिया पे क्लिक करना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से क्या करना, एक लिरिक्स ये ब्लैक स्क्रीन का लिरिकल वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सो गाइस आपके पास नहीं होगा तो इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस प्रकार से सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आना, यहाँ पे ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना और यहाँ नीचे जो स्क्रीन है यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, स्क्रीन को। उसके बाद दोस्तों कुछ सेकंड आपको इस प्रकार आगे बढ़ा लेना है स्टेटस वीडियो को। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इसको जूम छोटा कर लेना है, इस प्रकार जूम का जो बड़ा है उसको छोटा करके यहाँ पे ला के आपको क्या करना है, इस प्रकार यहाँ से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक कर लेना, बैक करने के बाद फिर से स्टार्टिंग पोजिशन पर आना, यहाँ लेयर पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करना। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों साइड बॉर्डर पी एन जी का यहाँ से व्हाइट स्क्रीन का एक स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सुगा जिस प्रकार से बॉर्डर पे एन जी को यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, ऐड करने के बाद सिलेक्ट स्क्रीन में क्लिक करना और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन करके डन कर देना, ठीक है। डन करने के बाद दोस्तों आप क्या करना है, वीडियो को यहाँ से प्ले करके देख लेना है। सो गाइस कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्टेटस वीडियो आपका बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए स्टेटस के साथ।